तो चलिए आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं टैबलो। तो टैबलो डेस्कटॉप के बारे में हम आज आपके साथ करेंगे। सबसे पहले जानें कि टैबलो आखिर करता है क्या है। टैबलो है एक पावर बीआई है, ये चीजें आखिर इससे आखिर होती क्या है, करता है क्या है, चलिए इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली टैबलो को हम लोग डेटा विजुलाइजेशन टूल्स कहते हैं। अब डेटा विजुलाइजेशन टूल्स क्या होता है, सबसे पहले हम टैबलो ओपन करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। बेसिकली क्या है कि हम लोग अभी तक रिपोर्ट्स के लिए मोस्टली एक्सेल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टैबलो ओपन करते हैं तो आपके पास एक सैंपल वर्कबुक आता है, जिसमें सुपर स्टो एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। चलिए इसी रिपोर्ट को हम देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो सुपर स्टोर की जो सेल्स डेटा है, उस सेल्स डेटा के ऊपर अगर हम यहाँ पे डेटा सोर्स पे जाए, यहाँ पे डेटा सोर्स आपको दिख जाएगा। इसमें डेटा सोर्स है, स्क्रीन नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा हाँ, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, माफ कीजिए। तो डेटा सोर्स आपके सामने है। हाँ। सर थोड़ा पहले से बताओ किस तरह से ओपन किया है वो। अच्छा टैबलो, टैबलो हाँ चल, तो हम टैबलो ओपन करते हैं। टैबलो होगा तो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो रिसेंट आपकी जो लास्ट मॉडिफाइड फाइल होती है वो आपको दिख जाएगा, और नीचे आपको यहाँ सैंपल वर्कबुक दिखेगा। तो सुपर स्टोर एक पॉपुलर है, मैं इसकी बात करता हूँ। सुपर स्टोर मतलब कि यहाँ अगर डेटा सोर्स पे करें तो यहाँ पे कैटेगरी है, ऑर्डर डेट है, सेल्स टारगेट है, यहाँ पे सेगमेंट है। और एक मिनट में इसको रिमूव करता हूं। ये हमारे पास डेटा है। डेटा है, अब इस डेटा में और भी जैसे सो अलायंस हो गया, सो हिडन फोल्डर, ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट आपको यहां दिख जाएगा। अब इस पे आप देखेंगे कि इसने क्या क्या बनाया हुआ है। इसमें यहाँ पे जो आपके सीड्स है, उस सीड्स के सारे यहाँ पे परफॉर्म सीड्स है, यहाँ पे आपका ओवरव्यू हो गया, मतलब कि एक डैशबोर्ड हो गया। दिस इज द डैशबोर्ड। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे बना रखा है कि सीड्स का है, यहाँ पे यहाँ कस्टमर्स है, यहाँ पे शिपिंग है, दिख रहा है आपको, ऑर्डर है, फोरकास्ट है। जैसे एक्सेल पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल पे हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाती है, वही चीजें यहाँ पे बना हुआ है। और उन सबको इसने यहाँ पे एक जगह पे डैशबोर्ड बना रखा है, जो इतने सारे से लेके आया हुआ है डेटा। और एक रिपोर्ट आपको यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह की जो क्रिटिकल रिपोर्ट्स हैं, इस तरह की जो विजुलाइजेशन है, वो एक्सेल पे पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है भी तो बड़ी लेंथी प्रोसीजर है उसकी, समझ गए, बहुत लेंथी प्रोसीजर है। तो ऐसी चीजों को हम जो है वीवीए के जरिए माने कि बनाते हैं, सॉरी माफ कीजिए, टैबलो के जरिए इस ऐसे चीजों को हम बनाते हैं, समझ गए। हाँ सर। और सर मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी है, आप अल्ट प्लस आर करके सेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अल्ट प्लस आर, ओके। तो टैबलो में हमने आपको क्या बताया कि टैबलो का इस्तेमाल क्यों होता है। टैबलो का इस्तेमाल होता है क्रिटिकल एंड पावरफुल एंड मोर अट्रैक्टिव विजुलाइजेशन को ईजिली क्रिएट करने के लिए। अब चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे करें। सबसे पहले आपका पहला व्यू आएगा, इसमें कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। कनेक्ट मतलब कि इसका अपना कोई डेटाबेस नहीं होता है, वो किसी न किसी डेटा से कनेक्ट होता है। तो यहां पर हमने क्लिक किया और क्लिक करते ही हमने एक डेटा से डीडी है, इसको ओपन कर लिया।
तो डेटा हमारे पास इस डीडी में बहुत सारे सीट्स है, कौन सा सीट चाहिए, तो हमने बोला सीट टू, तो सीट टू का पूरा डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं यहां पे मेरे पास तीन चीजें हैं, पहला है रिव्यू वर्कशीट, दूसरा है आपका न्यू डैशबोर्ड और तीसरा है स्टोरी। तो कई शीट्स को मिला के डैशबोर्ड बनाया जाता है, और डैशबोर्ड कैसे है, डैशबोर्ड को कंबाइन करके हम स्टोरी क्रिएट करते हैं। शीट पे वर्कशीट पे चलते हैं, या आप डैशबोर्ड में भी आ सकते हैं। एक बार डिलीट करता हूँ, देखिए बहुत सारा खुल गया। अच्छा एक तो होना ही चाहिए इसमें, तो यहां आपका न्यू डैशबोर्ड हमने ओपन किया, राइट। अब यहां डैशबोर्ड पे आपको कोई ये नहीं है कि आप रख सकते हैं, डैशबोर्ड पे आप सीट को रखेंगे और सीट पे आप अपने फील्ड्स को रखेंगे। तो पिवट की तरह होता है, तो जैसे कि मैंने किया कि मुझे रिपोर्ट चाहिए प्रोडक्ट इसमें नेम वाइज, और मैं अपनी क्वांटिटी का टोटल चाहता हूँ, तो शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लिया, तो इन दोनों फील्ड के ऊपर इतने तरह के विजुअलाइजेशन सक्सेसफुली वर्क करेंगे। ठीक है, तो मैं एक विजुअलाइजेशन को क्लिक करता हूं, तो यहां पे मैं विजुअलाइजेशन दिख गया गया ओके यस सर। डाउट इसमें सर? नहीं नहीं ये तो सीधा ही आ जाता है ना। और सर एक मिनट सर, पीछे स्क्रीन लास्ट वन, हाँ इसमें डायमेंशन और मेजर दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, डायमेंशन मतलब कि जो आपके ऐसे फील्ड जिसमें टेक्स्ट हो या डेट हो या लोकेशन हो, डायमेंशन में है, और जिसके ऊपर डेटा कैलकुलेटेड डेटा हो वो आपके मेजर्स में आते हैं, मिस्योर्स में आते हैं, मिस्योर्स। ठीक है, यस सर। ये विदाउट इसमें नहीं नहीं सर, ये डायरेक्ट ही अपने आप ही वो कर लेता है, अलग कर देता है टेक्स्ट हाँ, और वो। और यहाँ भी अब जैसे सीट वन है इसमें आप दे सकते हैं, ये आपका है सेल्स, यहाँ पे दे देता हूँ सेल्स कीबोर्ड में प्रॉब्लम है। इस तरह से आप इसका टाइटल भी कर सकते हैं, इसमें अभी बहुत चीजें हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए मैं फिर वापस अगर मैं बोलूं कि मैं प्रोडक्ट और क्वांटिटी है, तो मैंने शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके ऊपर अगर मान लीजिए मैं विजुलाइजेशन लेता हूँ ए वाली विजुलाइजेशन, तो उसी को चेंज कर देगा। तो मतलब ही आप यहां पे एक चार्ट में, मोस्टली एक चार्ट में आप एक ही रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। इसको हम डैशबोर्ड में देखिए, ऑटोमेटिक डैशबोर्ड में आ गया ना। ठीक है, अब इसमें मैं एक काम और करता हूं कि मैं एक और सीट यहां से जनरेट करता हूं, उसमें मैं प्रोडक्ट और अमाउंट को लेता हूं, क्वांटिटी को लेता हूं, बहुत सारा आएगा एक मिनट, प्रोडक्ट एंड अमाउंट मान लीजिए, प्रोडक्ट एंड अमाउंट लेता हूं। और यहां से हम इसको ले लेते हैं। अभी देखिए यहां पे ये सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि इसमें दो फील्ड चाहिए, एक फील्ड से काम नहीं चलेगा, दो फील्ड हुआ हाईलाइट हो गया। मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो सीट टू आ गया, अब मैं सीट टू को लेता हूँ और यहाँ पे नीचे ड्रैग कर, इस तरह से मैं सीट थ्री, यहाँ से सीट थ्री लेता हूँ और सीट थ्री में मैं जियोग्राफिकल डेटा लेता हूँ, बोलता हूँ सिटी, और सिटी वाइज हम अमाउंट करते हैं, ग्राउंड टोटल करते हैं सिटी, और कंट्रोल के साथ हमने यहाँ पे ग्राउंड टोटल रख लिया। जियोग्राफिकल में दो है, एक ये है आपका रिकमेंडेड
और ये दूसरा आपका है, तो मैं इसी को लेता हूं। वेट करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड, ठीक है। तो आपकी जो सिटी थे उस सिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करके बता दिया कि सेल्स कहाँ कहाँ हुए, yes. ठीक है। व्यू डेटा पे देखिए, आपके व्यू डेटा आ गए, एडिट लोकेशंस, या आपको कौन कौन सिटी है, सिटी में ऐसा लग रहा है कि वो इसने मैच कर रहा है, आप कर सकते हैं। ओके, डेटा के हिसाब से हमारा मैचिंग कर लेता है वो, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो हमको, हाँ तो फिर उसमें लगी आपको ऐसी दिक्कत है तो लैंग्वीट्यूड वगैरह भी आप दे सकते हैं। और मैं चेंज करना चाहता हूँ, मुझे मुझे ये नहीं चाहिए, इस तरह का चाहिए, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का भी आपको याद आएगा। तो इसमें क्या दिक्कत हुआ कि आपके स्टेट के भी नेम आ रहे हैं, जैसे जूम कीजिएगा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं लोकेशन को। इस लोकेशन ऐड हो गया। अब मैं आप वापस आता हूँ अपने डैशबोर्ड में, शीट थ्री आया और मुझे शीट थ्री साइड में यहाँ पर रखना है, शीट थ्री उठाया और यहाँ पे हम रख दिया, ठीक है। या फिर चाहते हो तो आप यहाँ से क्रॉस करो, मैं इसको अरेंज कर, इसको क्रॉस किया और इसको क्रॉस किया, मान लीजिए इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ज्योग्राफिकल ऊपर आए, तो हमने ज्योग्राफिकल डेटा रख दिया, ज्योग्राफिकल के नीचे जो है हम यहाँ, और इसके बगल में हम इसको रखना चाहते हैं, ठीक है। इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। ठीक है, और स्क्रीन को, ये जो स्क्रीन है इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ भी आप, यहाँ भी सेट कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, ये यहाँ भी आप सेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लोटिंग हो टाइप फ्लोटिंग हो, ये चीज़ हम आपके आगे बात करेंगे, ठीक है। देखा आपने इजीली कैसे टीम आपके समराइजेशन को क्रिएट कर लिया। इसमें और भी फिल्टर्स वगैरह भी हम आगे चल के लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे तो डेटा का आएगा, लेकिन फिल्टर है तो यहाँ हम अपने फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसा मुझे ये नहीं चाहिए था कर दिया, देखे बड़ा हो गया, जी टोटल इसका इसका दिख रहा है इतना। मैं चाहता हूं कि यहां से ऊपर ही जाए, यहां पे कुछ और देना लिखना चाहते हो तो ये चीज अब हम आगे करके करेंगे। जैसे यहां पे सेल्स बाई पर्सन, सीट टू की जगह पे प्रोडक्ट बाई सेल कर सकते हैं। ये हमारा, अब ये जो अभी जो चीजें बताऊं, ये चीजें हमने बताई आपको कि हमें इस तरह की चीजें हम यहाँ पे करते हैं, समझ गए सर। ओके ओके, हाँ सर। और इस बार ये सीट्स को हम हाइड करना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते रखिए, नहीं तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, एक्सेल की तरह आपको बिहेव करेगा। एक रिपोर्ट है किसी को भेज सकते हैं, अब इस रिपोर्ट को आप किसी को भेज सकते हैं, तो भेजिए कैसे, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश करना होगा, तो इस रिपोर्ट को मुझे प्रिंट टू पीडीएफ, पीडीएफ में इसको डाल सकते हैं, या फिर आप शेयर कर सकते हैं इसकी टैबू सर्वर के ऊपर, ठीक है। टैबू सर्वर के ऊपर कर सकते हैं, जैसे क्रिएट अ साइट हम यहाँ पे क्लिक किए तो
टैबलो को डाउनलोड कर लॉग इन करना होगा और फिर इसके सर्व मुझे एक यूआरएल मिल जाएगा, उस यूआरएल को यहाँ पे हम कर सकते हैं। ओके हाँ समझ गए, क्योंकि मैं अभी अभी तक मैंने टैबलो को साइन इन नहीं किया, तो मैं टैबलो को यहाँ साइन इन कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे लिंक होगा, उस लिंक को डालिए, उस लिंक पे आपका चला जाएगा टैबलो, और वो लिंक जो है आपने बाकी लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ है मेंबर भी करके मैं यहाँ पे साइन कर लेता हूँ। अच्छा इनवैलिड है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा इसका, बहुत दिन हो गया भूल गया इसका। तो इसको अब लीजिए, इसको ऐसा नहीं कि आप इसको एक्सेल में कर सकते हैं, जी नहीं एक्सेल में नहीं कर सकते हैं। इसको करना तो आप टैबलू की अभी उसकी जो ओरिजिनल फाइल है वो भेज सकते हैं, कि उसके लिए टैबलू होना चाहिए। अगर टैबलू नहीं है तो टैबलू पब्लिक के जरिए ले सकते हैं। अब बात होती है कि रिपोर्ट तो आपने बना लिया, अब इस रिपोर्ट को किस किस कैसे देखेगा कोई? तो एक तो शेयर सिस्टम जो एक यूआरएल पाथ मिल जाएगा उसके जरिए शेयर कर सकते हैं शेयर पॉइंट की तरह। दूसरा है कि आप इनटू पीडीएफ कर सकते हैं, तो ये पीडीएफ में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा तो पीडीएफ में आप रिपोर्ट्स को भेज सकते हैं। और पीडीएफ में क्या होगा, फिर आपके जो ड्रॉप डाउन होंगे, कंडीशंस होंगे, उन कंडीशंस पे वो परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है सर। हाँ वेबसाइट में ऐसा देख लेंगे, वेबसाइट पे क्या होगा कि कर्सर जाने पे जैसे लोकेशन वगैरह भी दिखेगा अगर वेबसाइट पे इसको करते हैं तो। ठीक है, लेकिन इसको आप चाहेंगे कि इस रिपोर्ट को हम मान लीजिए कि पब्लिक एक्सपोर्ट कर दें, तो इस तरह की एक्सपोर्ट वगैरह आपका नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट आप करेंगे तो आपका एक्सपोर्ट करने के लिए आपका टैबलू वर्कबुक में ही आप या टैबलू पैकेज वर्कबुक में ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक ही दिक्कत है इसी कारण से, क्योंकि बहुत पहले से है, नहीं तो अभी तक ये बहुत पॉपुलर हो गया रहता। एक्सेल से डेटा लेता है लेकिन रिपोर्ट एक्सेल को नहीं देता है, छोटी सी दिक्कत यही है इसमें। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। हाँ तो आप इस चीज को देखिए कि आखिर आपका क्या है, एक पिवट की तरह ही तो है पूरा का पूरा। क्या आपने उठाया रखा, हाँ आपका रिपोर्ट बन गया। लेकिन अगर पावर बीआई की तरफ जाएंगे तो पावर बीआई इससे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तो सबसे आपका टैबलू आया था, टैबलू के बाद ही पावर बीआई आया। तो टैबलू आपका, टैबलू से बेटर है आपका पावर बी आई। कुछ केसेस में टैबलू बेटर है, कुछ केसेस में पावर बी आई बेटर है। तो शुरुआत में आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैं एक्सेल की में एक्सेल जब सीखे थे उस समय भी आपको मैं बोला था कि अवेयरनेस, अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है। इससे लग रहा है कि खोला भी नहीं था आपने क्या? अभी तक नहीं खोला था। टैबलू को खोलिए, टैबलू खोलने के हाँ। बाद इसमें यहाँ एक्सेल से डेटाबेस को लोड कीजिए और कुछ कुछ हाँ। पहले ट्राई कीजिए। ओके हाँ समझे। हाँ करना, टैबलू खोलना है और डेटा को पहले कनेक्ट करना है। ओके
और डेटा कनेक्ट करने, याद रखिएगा डेटा का हेडिंग सबसे पहला रो होना चाहिए, और डेटा कनेक्ट करने के बाद जैसे आप डेटा को कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करते ही ऑलरेडी बने बनाए रिपोर्ट्स भी नीचे दिख रहे होंगे। डेटा कनेक्ट करने आप यहाँ जैसे डेटा शीट टू कनेक्ट कर लिया तो नीचे आपको एक सीट मिल जाएगा, शीट वन हाईलाइट हो गया, गो टू शीट वन दिख गया। अब इस पे आप कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है दो फील्ड को, एक डिमिनिशंस में और दूसरा अपना वैल्यू में, ताकि जिस पे रिपोर्ट बनेगी वो ऑटोमेटिक बता देगा कि इस पे क्या होना चाहिए। आपको डेटा चाहिए तो आपको यहाँ डेटा भी दे देगा। ओके, मुझे डेटा नहीं चाहिए वो किस तरह से डेटा किस तरह कहाँ से डेटा किस तरह से ये विजुलाइजेशन यहाँ है, आपको शो मी पे क्लिक कीजिएगा ना। ओके हाँ, जो आपकी रिपोर्ट फिल्टर आपने सेलेक्ट किया हुआ उसके बिहाफ पे यहाँ पे सारा दिख जाएगा आपको। ओके ओके हाँ ठीक है, उसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है हाँ, छोटा भी करना चाहे तो छोटा बड़ा भी अपने हिसाब से कर सकते। और बहुत सारी चीजें हैं, तो एक बार इसको छेड़िए उसके बाद हम ओके हाँ करेंगे। ठीक है ओके हाँ।